वहीं बालाघाट में दशहरे का मुख्य कार्यक्रम उत्कृष्ट स्कूल के मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें रावण के 51 फीट ऊंचे पुतले के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाएगा। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और हालांकि प्रशासन ने शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी है। इस आयोजन की तैयारी को लेकर हमारे संवाददाता शौकत बिरसाने ने आयोजक कमेटी के पदाधिकारियों से बातचीत की है। अभी सुनिए क्या कुछ कहा पदाधिकारियों ने। बालाघाट में इस वर्ष दशहरा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाने वाला है, क्योंकि पिछले साल कोविड के कारण दशहरा उत्सव नहीं मनाया गया है, लेकिन कल जिस तरह से अब इस बार आयोजन की तैयारी चल रही है उसमें अपन देख सकते हैं कि बालाघाट में न सिर्फ रावण का बल्कि कुंभकर्ण और मेघनाथ का भी पुतला जलाया जाना है। एक दिन पूर्व इंडिया न्यूज़ की टीम जहाँ रावण दहन का पुतला दहन होना है वहाँ पर पहुँची है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुतला बनाने को लेकर तैयारी चल रही है, पूरे कारीगर यहाँ पर तैयारी में लगे हुए हैं। इसके अलावा बैरिकेड बन रहा है ताकि सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं समिति की ओर से, महावीर सेवा दल समिति की ओर से यहाँ पर यह आयोजन किया जाता है। एक बड़ा भव्य आयोजन होता है, लेकिन फिर भी कोरोना गाइडलाइन के कारण में कहीं ना कहीं थोड़ा सा यह आयोजन को लेकर सावधानी भी बरती जा रही है एक इस पर्व को लेकर। और एक खास बात बता दूँ कि यहाँ पर जो दशहरा में जो चल समारोह जो आयोजित होता है उसमें हनुमान जी का एक जो पात्र होता है वो 41 किलो का मुकुट पहनकर यहाँ पर निकलते हैं, वो चल समारोह का बहुत ही आकर्षण का केंद्र होता है। हमारे साथ में यहाँ पर महावीर सेवा दल समिति से के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं जी, के यहाँ के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि दशहरा उत्सव को लेकर किस तरह से तैयारी है और क्या यहाँ पर आयोजन होने वाला है। जी भाई साहब बताएं। इस वर्ष दशहरा ग्राउंड में कुंभकर्ण मेघनाथ रावण के 3 पुतले बनाए गए हैं, जिनका दहन पारंपरिक रूप से जो समय होता है उस पर किया जाएगा। चल समारोह नए राम मंदिर से निकलकर जिसमें जो बजरंगबली का चोला धारण करने वाला बालक है और राम लक्ष्मण की झांकी निकलकर यहाँ आएंगी और पारंपरिक रूप से श्री राम द्वारा रावण का दहन किया जाएगा। चल समारोह को लेकर किस तरह की तैयारी है? चल समारोह को लेकर अभी कुछ तय नहीं किया गया है, प्रशासन द्वारा चल समारोह को लेकर रोक की बात कही गई है, परंतु कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए हमारे द्वारा भरसक प्रयास किया जाएगा कि त्यौहार भी ठीक से मनाया जाए और कोविड गाइडलाइन का ठीक से पालन भी किया जा सके। ये थे आयोजक कमेटी के पदाधिकारी जिनका कहना था कि यहाँ पर दशहरा उत्सव को लेकर तैयारी की जा रही है, रावण रावण के पुतला के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाना है और उसकी लगभग तैयारी हो रही है। कल यहाँ पर पुतला दहन होना है, शाम के लगभग 6:30-6:45 के आसपास यह पुतला दहन होता है, उसके पूर्व एक भव्य जुलूस निकलता है। बालाघाट से इंडिया न्यूज़ के लिए मैं सब